हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 2 नवंबर 2023 को एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 21 जनवरी 2024 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का 18वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर में 135 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मापदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और इच्छुक उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे इसे डाउनलोड कर लें। केवल उपर्युक्त वेबसाइट से बुलेटिन और आवेदन करने से पहले उन्हें ध्यान से पढ़ लें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल CTET की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यानी कि 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को CTET 2024 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। टोटल 135 शहरों में इसके लिए परीक्षा सेंटर बनाए जाएंगे। 20 भाषाओं में परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसे रीड कर सकते हैं और इसके लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के माध्यम से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन की प्रक्रिया 3 नवंबर 2023 यानी कि आज से शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 23 नवंबर 2023 रखी गई है और शुल्क जमा करने का दिन भी 23 नवंबर 2023 रात 11:59 बजे तक यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है। तो इस प्रकार से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी की गई है। 21 जनवरी 2024 को दिन रविवार को CTET का पेपर लिया जाएगा और इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 नवंबर 2023 रखी गई है। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस लिंक पर क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहां से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। CTET की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दी गई है। CTET जनवरी 2024 के लिए यह न्यू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी की गई है, जिसे आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर जारी की गई है। CTET के लिए अप्लाई करने से पहले ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसके लिए फॉर्म भरिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देख लेते हैं। जनरल और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर पेपर वन और पेपर टू कोई भी एक विषय, कोई भी एक पेपर में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 1000 फीस यहाँ पर रखा गया है और पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1200 रुपये का फ़ीस रखा गया है और ST SC और विकलांग के लिए यहाँ पर 500 रुपये का फीस रखा गया है किसी भी एक पेपर में अप्लाई करने के लिए और पेपर वन और पेपर टू दोनों में अप्लाई करने के लिए 600 रुपये का फ़ीस यहाँ पर रखा गया है। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। फीस भी आपको ऑनलाइन इसके लिए पेमेंट करना होगा। शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दे दिया गया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2024 को इसका पेपर लिया जाएगा। पेपर टू यहाँ पर सुबह 9:30 से 12 बजे तक लिया जाएगा, 2.5 घंटे का यहाँ पे एग्ज़ाम ड्यूरेशन रखा गया है और पेपर वन यहाँ पर 2 से 4:30 बजे तक यहाँ पर लिया जाएगा, इसका भी एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2.5 घंटे का रखा गया है। पहले पेपर वन मॉर्निंग शिफ्ट में होता था और पेपर टू इवनिंग शिफ्ट में होता था, तो यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। इस बार पेपर टू जो है मॉर्निंग शिफ्ट में रखा गया है और पेपर वन जो है इवनिंग शिफ्ट में रखा गया है। इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन मोड पर करना है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, इस लिंक पर से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले पूरा PDF रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर दे दिया गया है जिसे भी आप रीड कर सकते हैं। पेपर वन क्लास 1 to 5 के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर दे दिया गया है। इसमें CDP यहाँ पर 30 मार्क्स का रहेगा, 30 MCQs यहाँ पर रहेंगे और लैंग्वेज यहाँ पे लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू कंपलसरी है। इसके लिए भी यहाँ पर 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे और मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यहाँ पर दिया गया है। ये भी यहाँ पर प्रत्येक पार्ट से यहाँ पर 30 क्वेश्चन रखा गया है और 1 क्वेश्चन जो है 1 नंबर का यहाँ पर रहेगा। टोटल 150 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे, 150 नंबर के रहेंगे। लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए यहाँ पे लैंग्वेज का यहाँ पे ऑप्शन और कोड यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए यहाँ पर कोड यहाँ पर रखा गया है 1 और हिंदी सब्जेक्ट का कोड यहाँ पर 2 है। इसी प्रकार से बंगाली का यहाँ पर 4 है और इसी प्रकार से सभी का यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का अलग अलग कोड यहाँ पर दे दिया गया है। ये लैंग्वेज कोड है जिसे भी आप देख सकते हैं कि आप कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप इसका कोड देख सकते हैं। आगे है यहाँ पर पेपर टू के लिए।
पेपर टू क्लास 6 to 8 के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर दे दिया गया। इसमें CDP यहाँ पर CDP से 30 प्रश्न पूछा जाएगा, 30 नंबर का पूछा जाएगा। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इसमें भी आपको सेलेक्ट करना होगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस से यहाँ पर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर के पूछे जाएंगे। और ये जो है मैथमेटिक्स और साइंस टीचर के लिए है। और सोशल वालों के लिए यहाँ पर सोशल स्टडीज सोशल साइंस टीचर के लिए यहाँ पर सोशल साइंस से 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। टोटल इसमें भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके लिए भी यहाँ पर लैंग्वेज 2 लैंग्वेज 1 का यहाँ पर ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है उसके लिए यहाँ पर लैंग्वेज दे दिया गया, जिसे आप देख लीजिएगा। इसके लिए सिलेबस भी इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के PDF में ही दे दिया गया है। सबसे पहले पेपर 1 के लिए यहाँ पर देख लेते हैं सिलेबस। चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागॉजी के लिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल साइड से यहाँ पर 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लर्निंग इन पेडागॉजी से यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे लैंग्वेज 1 देख लेते हैं। लैंग्वेज 1 में यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार 30 प्रश्न लैंग्वेज 1 से पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार लैंग्वेज 2 से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैथमेटिक्स से भी यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ज्योमेट्री शेप और यहाँ पर सॉलिड है, नंबर है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, सभी से यहाँ पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। वॉल्यूम है, डाटा हैंडलिंग है, पैटर्न और मनी है यहाँ पर से। और पेडागॉजिकल इशूज से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज से यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं पेपर 2 के लिए सिलेबस। पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए सिलेबस है। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड से 15 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लर्निंग एंड पेडागॉजी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और लैंग्वेज के लिए यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 15 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 2 से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें भी यहाँ पर दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है 15-15 नंबर के लिए। मैथमेटिक्स और साइंस से यहाँ पर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ पर मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें नंबर सिस्टम एलजेब्रा से प्रश्न पूछे जाएंगे और ज्योमेट्री से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पेडागॉजिकल इशूज से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस से भी यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें फूड मटेरियल्स से पूछे जाएंगे और यहाँ पर मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज से पूछे जाएंगे। पेडागॉजिकल इशूज से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। और सोशल स्टडीज सोशल साइंस वालों के लिए यहाँ पर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ पर कंटेंट 40 नंबर का कंटेंट रहेगा और यहाँ पर 20 नंबर का इसका जो है पेडागॉजी यहाँ पर रखा गया है। पेडागॉजिकल इशूज यहाँ पर 20 नंबर का पूछा जाएगा सोशल से। तो इस प्रकार से पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस आपको बता दिया गया है, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा या फिर ये PDF डाउनलोड करके भी आप सिलेबस देख सकते हैं। ये PDF आपको CTET के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, या फिर आप ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की PDF डाल दी गई है, जहाँ से आप ये डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। एग्ज़ाम सिटीज यहाँ पर दे दिया गया है, जिसे भी आप PDF से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं दिल्ली के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। दिल्ली सेंट्रल है, दिल्ली ईस्ट है, नॉर्थ साउथ है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का यहाँ पर भिलाई दुर्ग में रखा गया है। और बिलासपुर और रायपुर में यहाँ पर 3 शहरों में सेंटर बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ स्टेट से। इसी प्रकार सभी स्टेट के यहाँ पर सेंटर और सिटी का नेम यहाँ पर दे दिया गया है और सेंटर कोड भी यहाँ पर सिटी कोड भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो अब जो भी सेंटर आप इसके लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने का भी यहाँ पर स्टेप्स दे दिया गया है, जिसे आप रीड करके खुद ही आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी जानकारी आपको बता दी गई है। इस नोटिफिकेशन के बारे में एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर जो है इसका एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करना है 3 नवंबर 2023 फ्राइडे, यानी कि आज से इसके लिए फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दिया गया है। 23 नवंबर 2023 थर्सडे को 11:59 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फीस जमा करने की भी अंतिम तिथि 23 नवंबर 2023 रखी गई है। वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फी बाय द बैंक यहाँ पर दिया गया है। फाइनल जो है इसका वेरिफिकेशन 28 नवंबर 2023 तक यहाँ पर किया जाएगा।
फिर यहाँ पर ऑनलाइन करेक्शन के लिए यहाँ पर जो है वेबसाइट यहाँ पर ओपन किया जाएगा। ऑनलाइन करेक्शन आप करना चाहते हैं तो 28 नवंबर 2023 से यहाँ पर 2 दिसंबर सैटरडे तक यहाँ पर इसके लिए आप जो है इसका जो करेक्शन आप कर पाएंगे। और इसके लिए एडमिट कार्ड पेपर के 2 दिन पहले ही जारी किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर बता दिया गया है 21 जनवरी 2024 संडे को इसका पेपर लिया जाएगा। और इसका जो रिज़ल्ट है फरवरी 2024 में यहाँ पर संभावित इसका रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा। एग्ज़ाम का भी यहाँ पर टाइम शेड्यूल दे दिया गया है। एग्ज़ाम का डेट है 21 जनवरी 2024। पेपर यहाँ पर 2 पेपर लिया जाएगा, पेपर टू और पेपर वन लिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर 7:30 बजे यहाँ पर एंट्री रखी गई है। सुबह 7:30 बजे पेपर टू वालों को पहुँच जाना है अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, और पेपर वन वालों की एंट्री यहाँ पर 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी। एडमिट कार्ड चेकिंग यहाँ पर दे दिया गया है 9 से 9:15 बजे तक पेपर टू वालों के लिए, और पेपर वन वालों के लिए 1:30 बजे से 1:45 तक। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट बुकलेट का यहाँ पर वितरण किया जाएगा 9:15 से, और पेपर टू वालों के लिए और पेपर वन वालों के लिए 1:45 से यहाँ पर। इसी प्रकार से सभी जानकारी यहाँ पर पूरा टाइम शेड्यूल दे दिया गया है किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन में टाइम शेड्यूल होने वाला है, इसे भी आप रीड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सीटेट की इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बता दी गई है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उस लिंक के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिए और रीड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर CTET की आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।